क्यों सुनेंगे? क्योंकि हम नहीं पढ़े, हमारा बेटा पढ़ा है, वो खोजेंगे ना। अच्छा, बेटा के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, हमको यहाँ मेनका पंचायत पड़ता है जी। उसमें सीट निकलने से पहले एक व्यक्ति गया, कहा हमको जे एगो सीट यहाँ निकलने वाला है, जे आप 2 लाख रुपया दीजिए, 2 लाख रुपया दीजिए। अच्छा, हाँ विकास अति टोला सेवक के सीट, हाँ सीट के लिए। अच्छा, तो हमने कहा 2 लाख वाला हम लोग नहीं है। अच्छा, हम लोग 200-400 वाला है। हाँ, हाँ। जो उतना लीजिएगा तो होगा, न तो हम लोग उतना पैसा वाला नहीं। मुर्दाबाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुर्दाबाद, राष्ट्रीय भुइया संघ जिंदाबाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुर्दाबाद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मुर्दाबाद, बाबा दशरथ मांझी जिंदाबाद, बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, माता सबरी जिंदाबाद। सुदेव, और आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। मुजफ्फरपुर जिला के समरणालय परिसर में कुछ लोग हैं जो अपना धरना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और आइए जानते हैं कि किस लिए धरना प्रदर्शन है। जी बताया जाए, क्या मांग के लिए क्या भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देखे हुएगा कि बिहार सरकार की योजना है महादलितों को शिक्षा से जोड़ने का, उसके लिए टोला सेवक के बहाली निकाला गया था। उस बहाली में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता और साक्षरता कर्मी कुंदन कुमार के द्वारा बिना सर्वेक्षण किए हुए परिसीमन को तैयार कर दिया है, और प्रति सीट 3 लाख से 4 लाख रुपया प्रति सीट का निर्माण में लिया गया है, जो नियम के विपरीत है। नियम कहता है, सरकार के जो गाइडलाइन है वो कहता है कि पहले जिला को सर्वेक्षण करें महादलितों को टोला, उसके बाद बहुलता का निर्धारण करें, और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया हो। और ऐसा न करके मनमाने ढंग से सीट का निर्माण किया है, और मनमाने ढंग से रुपया का वसूल की जा रही है, जिसके कारण हमारा समाज मुसर भुइया समाज उस लाभ से वंचित हो गया। एक भी सीट पूरे जिला में 48 सीट है, जिसमें एक भी सीट हमारे समाज को नहीं मिला है। उसी के खिलाफ में 28 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। आज मेरा 6वां दिन है, और प्रशासन अभी तक किसी तरह की कोई सुधि नहीं लिया है, और हम आप लोगों के माध्यम से हम जिला समाहर्ता मुजफ्फरपुर और माननीय सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग को पूरी करें। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। कहाँ का घटना है जो बोल रहे हैं? ये पूरे मुजफ्फरपुर जिला का है। पूरा मुजफ्फरपुर? जी जी, पूरे मुजफ्फरपुर जिला। यहाँ सर्वे अभी तक नहीं हुआ है कि किस जाति का किस जहाँ जगह पर कितना जनसंख्या है? नहीं हुआ है। तो बिना जनसंख्या को निर्धारित किए हुए सर्वोच्च कैसे घोषित हो गया कि इनका जनसंख्या ज्यादा है? रुपया के बल पर। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के, मतलब मुसर जाति के लोगों का ज्यादा संख्या है, और वहाँ पर मुसर जाति को नहीं नियुक्त किया गया? नहीं। किस जाति को नियुक्त किया गया? वो अदर जो महादलित लोग से बाहर के लोग हैं। अच्छा। दलित लोग हैं, उन लोगों का मौका दिया जा रहा। इनका कहना है कि जहाँ पर जिस जाति का जनसंख्या ज्यादा है, उस जाति के अकॉर्डिंग उनका चयन होना चाहिए था, सरकार का ऐसा गाइडलाइन है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पर पैसा लेकर के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यहाँ पर इनको गलत तरीके से, अवैध तरीके से दूसरे लोगों को नियुक्त किया गया है, जिसका जनसंख्या उतना है नहीं। यही कहना है ना आपका? यही कहना है, यही हम लोगों को कहना है। हम लोगों के उसमें सरकार की नियम है कि बहुलता के आधार पर जो है चयन करना है। बहुलता निर्धारित ही नहीं किया, चूँकि सर्वे नहीं किया तो बहुलता कहाँ से निर्धारित करेगा। और दूसरी बात कि जहाँ हम लोगों की आबादी है, मुसर समाज की आबादी है, वहाँ बिल्कुल सीटें नहीं दिया है। जहाँ हम लोगों की आबादी नहीं है, वहाँ पर सीट का निर्माण किया है। इसलिए सीट का निर्माण वहाँ पर किया है कि मुसहर समाज, क्योंकि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर है, रुपया वो दे नहीं सकता है। तो इससे बाथी के लिए उनको जहाँ रुपया देने वाला लोग था, वहाँ पर सीट का निर्माण किया उन्होंने। तो किस आधार पर, मतलब इन्होंने दूसरे जाति के लोगों को वहाँ पर ये बताया कि ये जनसंख्या ज़्यादा है? इसलिए उनके समझ में ये बात आया कि हम जो मनमानी कर लेंगे, हमारा कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि समाज तो अनपढ़ गंवार होता है, समझदार तो है नहीं, हमारी जो चालाकी उसको पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा। लेकिन उसकी चालाकी, उसकी जो धांधली है, उसको हम पकड़ लिए हैं। इनका कहना है कि जिस जगह पर जिस जाति का संख्या अधिक होता है, वहाँ पर उस जाति का टोला सेवक का बहाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इनको लगा शिक्षा पदाधिकारी को कि मुसहर जाति के लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको बरगला करके दूसरे संप्रदाय के लोगों को यहाँ पर हम रिक्ति को पद
रिक्ति को भर देंगे और वहाँ पर दूसरे समुदाय के वर्ग से पैसा लेकर के ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मुसर जाति के लोग बहुत पीछे हैं, तो ये खोजेंगे नहीं। और इनको लगा कि बहुत अच्छा काम कर चुके हैं पैसा लेकर के, और इसलिए इन्होंने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं 6 दिनों से, छठा दिन से ये लोग। और प्रशासन यहाँ पर आए हैं कि ना, आपसे बातचीत हुई है कि नहीं? नहीं, प्रशासन अभी तक कोई सुधी नहीं लिया है। डॉक्टर कल रात में आए थे, आज रात में डॉक्टर आकर के चेक करके गया है। प्रशासन अभी किस तरह की कोई सुधी नहीं लिया है। डॉक्टर किनके तरफ से भेजा गया था? वो हम लोगों के, वो कुछ हमारे जो सहयोगी लोग है, सभी के लोग की तरफ से। हाँ, वो लोग फोन किए। जिलाधिकारी का कोई संज्ञान अब तक हुआ है कि नहीं आपके? नहीं, अभी कुछ देर पहले मैसेज आया है कि 3 बजे हम वार्ता करेंगे। 6 दिन हो जाता है, एक महादलित व्यक्ति जो 6 दिनों से उपवास है और यहाँ पर बैठे हुए हैं समरणालय स्तर में, समरणालय परिसर में, और उनका ध्यान नहीं जाता है, और छठे दिन बाद इनका मतलब आगमन होता है और कहे हैं कि 3 बजे भेंट करेंगे। छठे दिन बाद बोले वो भी 3 बजे, मतलब उनका एकदम व्यवस्था में चूक है, फिर भी इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किनको दोषी देना चाहेंगे? इसमें मुख्य रूप से जो व्यवस्था है बिहार का, उसका जिम्मेदार वो है, क्योंकि बिहार में इतनी अफसरशाही है, इतनी अफसरशाही जिसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। अफसर के जो मन होता है वही करता है, उसको कोई, उस पर कोई अंकुश नहीं है, किसी तरह की कोई दबाव नहीं है, उसको किसी तरह का कोई भय नहीं है, साफ निरंकुश है। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में पदाधिकारी लोगों का एकदम मतलब जो जी में आ रहा है वो कर रहे हैं, इनका जो कार्य क्षेत्र है और उनका जो काम होनी चाहिए जिसके अनुसार नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर मनमानी तरीके से नीतीश कुमार जी के अधिकारी काम करते हैं। और इनका कहना है कि हमारी जनसंख्या सबसे अधिक है और उस जगह पर दूसरे संप्रदाय के लोगों को, दूसरे जाति के लोगों को नियुक्ति किया जाता है पैसे के बल पर। और कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या सच्चाई है। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम लाल बिहारी मांझी हुआ। कहाँ से आए हैं आप? रेपुरा सकरा प्रखंड। क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत तो वही है कि सर, जो निकाला गया शेड्यूल सरकार तरफ से जी थोड़ा सबक की बहाली के लिए। अच्छा, तो यहाँ जो कुंदन कुमार कौन वाला लड़का है ये जो पदाधिकारी हैं, अच्छा, वो जो से 3-4 लाख 5 लाख लेकर के सीट बेच रहे हैं। अच्छा, और जो है हम लोगों को जो मतलब लाभ नहीं मिल रहा है। कुंदन कुमार कौन है? पता ना कौन ही है कुंदन कुमार, साक्षरता कर्मी है, उन्हीं के माध्यम से शिक्षा विभाग कार्यालय से हैं वो। अच्छा, बिलोंग करते हैं चाहे जो भी हो। अच्छा, लेकिन इन्होंने जो है 3-4 लाख 5 लाख ले लेकर सीट बेच रहा है। अच्छा, जैसे ही हम लोगों को जिला अध्यक्ष पता चला इनको जी जितेंद्र भैया को, वैसे ही इन्होंने अनशन आमरण चालू कर दिया। अच्छा, कि भाई जितने भी हमारे दलित या महादलित के जितने भी लोग हैं, हाँ, आओ मिलकर के हम लोग अनशन कर देंगे, आज की बिना लड़ ले नहीं मिलने वाला है कुछ चीज। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, दिलीप मांझी हुआ। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का जो मनमानी सरकार के तरफ से किया जाता है प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, क्या कहिएगा उनके कर्मचारी और अधिकारी को? मैं यही कहूँगा कि उस पर थोड़ा सा विचार करें कि अगर मांझी महादलित परिवारों के लोगों को अगर बलगला करके अगर अपना जो क्या कहते हैं कि जो मनमानी कर ले तो अच्छा ये सब हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए, मुसर समाज में पहले कहता था कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा तो अभी है। जी बिल्कुल, अभी है तो उसको दो, उसको हक दो, क्योंकि उसको अधिकार जो है उसको अधिकार तो देना अनिवार्य है एकदम, लेकिन अनिवार्य तो उसको मिल नहीं रहा ना। नहीं, नहीं मिल रहा। अगर देखिए, अगर हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज क्या कहते हैं कि हम लोग इतना 6 दिन से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं कि हम लोग का कुछ हक मिले, लेकिन ऐसा हक मिल कहाँ रहा है आज तक? देखिए, 6 दिन से हम आप जितेंद्र जी के साथ में बैठे हुए हैं, आप लोग को भाई के हक मिलेगा, आज मिलेगा, आज सर मिलेंगे, कल मिलेंगे, लेकिन नहीं मिल रहा। हम लोग क्या करें, हम लोग परेशान हैं। अगर एक बात ये है कि अगर जितना दिन तक हम लोग को ये चीज़ को अगर हकदारी ने, हाँ, परेशान करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना दिन तक हम लोग को हकदार नहीं मिलेगा उतना दिन तक हम लोग अनशन पर रहेंगे। भाई साहब का कहना है कि जब तक प्रशासन हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लेती है और हमारी जो हक अधिकार है उसको जो हम लोग से छीन करके दूसरे लोगों में बेचा जा रहा है, ये जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहाँ से धरना स्थल से हटेंगे नहीं। क्या जी? जी, जी सर, यही। तो ये 6 दिनों से आमरण अनशन पर है जी, जी। उसके बावजूद भी यहाँ के जिला अधिकारी अब तक 6 दिनों में 1 दिन भी नहीं आए हैं जी। नहीं,
और अपने ढंग से मनमाने ढंग से एक तो इनका हक हकमारी किया गया है और इन्होंने अब तक संज्ञान नहीं ले, क्या कहना चाहेंगे अधिकारी जी को, क्या कहेंगे जिलाधिकारी को? देखिए ये जो है उनकी बहुत बड़ा अनदेखी दिखी जा रही है जी। दूसरी बात है कि यह समाज जो है पूरे हिंदुस्तान में मुसर समाज जो है को लोग दरकिनार करके छोटे स्तर में इसको समझ रहे हैं जी, है ना। यह समाज गिरा हुआ समाज है और अनपढ़ गंवार समाज है। वास्तविकता अच्छा। है कि हमारा समाज जो है अभी उतना शिक्षित नहीं है और जिसके जिस समाज में शिक्षा नहीं हो उसकी विकास स्वास्थ्य क्या होगा ये सब लोग समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा दरकिनार करके माननीय जिला अधिकारी चल रहे हैं या कोई भी अफसर है जो समझ रहे हैं कि मुसर समाज तो है, चलो जैसे कितना बर्दाश्त करेगा। लेकिन हम लोगों ने इसको ये किया है कि जब तक वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे तब तक ये अनशन चालू रहेगा। मुर्दाबाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुर्दाबाद, राष्ट्रीय भुइयां संघ जिंदाबाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुर्दाबाद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मुर्दाबाद, बाबा दशरथ मांझी जिंदाबाद, बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, माता सबरी जिंदाबाद। 6 दिन से अभी 28 तारीख से जो हम लोग रेगुलर बैठे हुए हैं अनशन धरना पर, भूख हड़ताल पर, और अभी तक जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 6 दिन हो गया, आज तक जो है जिला प्रशासन या जिला पदाधिकारी किसी भी पदाधिकारी के ओर से अभी तक कोई जो है प्रोत्साहन नहीं दिया गया और कोई भी बातचीत नहीं हुई है अभी तक। लग रहा है कि आपको जाति देख करके ये किया जा रहा है। जी जी, ये तो सब समझते हैं कि मेरा जाति बहुत ही कमजोर है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी भी स्तर से आ जाएं, किसी भी तरह से जो है कोशिश कर लेंगे, सब जगह जो है दबाने की काम करता है और जो है ये वहीं तक दबके रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और समाज में भी हम लोग को जो है दबाया जाता है। भाई साहब का कहना है कि अभी भी हमारे समाज में जातिगत भेदभाव के कारण हम लोगों को हमारा अधिकार से वंचित किया जाता है, लेकिन मुसहर समाज अब पढ़ लिख लिया है, थोड़ा बहुत ही पढ़ रहा है, तब ये हाल है। जिस दिन हमारा 90% लोग मुसहर समाज पढ़ लिख जाएगा तो ये अधिकार मांगेगा नहीं बल्कि छीन लेगा। चलिए, नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम शिव चंद्र मांझी हुआ सर। शिव चंद्र मांझी जी, क्या कहेंगे, कल होकर के कुछ इनको हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होंगे? इनका जिम्मेवार प्रशासन होंगे। प्रशासन होंगे? हाँ, एकदम प्रशासन होंगे। दलितों का कोई सुना है आज तक? मर जाइए कोई सुनता है? कोई नहीं सुना है सर। हत्या हो जाता है सुनता नहीं? आप लोग खुद से मर जाइएगा तो सुनने वाला है यहाँ का समाज? सुनेंगे तो हम लोग बैठल रहेंगे, भूखे उखे सब लोग रहेंगे, बाले बच्चे कितना को मारेंगे कलेक्टर साहब। अनिश्चित काल के लिए धरना पर? हाँ, एकदम रहेंगे, न सुनेंगे तो जितना दिन। दलितों का हत्या हो जाता है, यहाँ का शासन प्रशासन नहीं सुनता है, आपका कैसे सुन लेंगे? वही तो बात है, आप तो सुनना होगा ना। सुनना होगा, एकदम सुनना होगा। कह रहा मुसर जाति का क्यों सुनेंगे? क्योंकि हम नहीं पढ़े, हमारा बेटा पढ़ा है, वो खोजेंगे ना। अच्छा, हाँ, बेटा के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, हमको यहाँ मेनका पंचायत पड़ता है जी। उसमें सीट निकलने से पहले एक व्यक्ति गया, कहा हमको जे एगो सीट यहाँ निकलने वाला है, जे आप 2 लाख रुपया दीजिए, 2 लाख रुपया दीजिए। अच्छा, हाँ, बिका आती टोला सेवक का सीट, हाँ, सीट के लिए। अच्छा, तो हमने कहा 2 लाख वाला हम लोग नहीं है। अच्छा, हम लोग 200-400 वाला है। हाँ, जो उतना लीजिएगा तो होगा ना, तो हम लोग उतना पैसा वाला नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने हमारे गांव के सीट नहीं निकाले हैं। हमारे गांव में मेनका पंचायत में 1800 वोटर है। अच्छा, खाली मुसर का संख्या है 1800 1800 और मुसर का सीट ही नहीं बना। सीट ही नहीं बना है, दो दो गो स्कूल में दो गो टोला सेवक मर भी गया है। अच्छा, एगो माझी मरा है, एगो चौधरी मरा है। अच्छा, लेकिन वहाँ सीट नहीं दिया, क्यों काहे न दिया? अच्छा, क्योंकि वहाँ पैसा देने वाले मुसर लोग नहीं है। अच्छा, हम लोग को तो जमीने नहीं है, हम तो दूसरे को जमीन में घर है, पैसा कहाँ से देंगे? अगर सरकार सर्वे करता है तो पूरे बिहार में सर्वे करे मुसर के पास कितना जमीन निकलता है, उसके लिए हम जिम्मेवार हो जाएंगे। अगर 1 बीघा 2 बीघा शायद कौन 100 में एक आध बीघा होगा, न तो किसी का तो रहने के लिए जगह नहीं है। 2 लाख रुपया 5 लाख हम कहाँ से देंगे, बोलिए। भैया का कहना है कि हम लोग के पास नौकरी करने के लिए तो पढ़ा दिए बच्चे को, लेकिन घूस देने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है। इसके वजह से यहाँ पर के जो लोग पदाधिकारी लोग हैं वो लोग जाति को सर्वे नहीं करते हैं। अब जिसका ज़्यादा संख्या होना चाहिए उसके लोगों को नियुक्त नहीं करते हैं, उनके लोगों को नियुक्त नहीं करते हैं।
और दूसरे लोगों से पैसा लेकर के दूसरे जाति के जनसंख्या को ज़्यादा कर देते हैं। इस तरह का मामला आया है मुजफ्फरपुर के मनिका पंचायत में। मनिका पंचायत घर हुआ सर जी।